लेकिन इनकी भावना भी यही है बीजेपी आएगी, इन्हें पता है खुद। दिखावा नहीं है मैम, जो महंगाई अब समाजवादी में लोग खुशहाल थे, आज आज आप निकलोगे तो देखो गुम है आदमी, बिल्कुल परेशान है आपको पता होगा। और जो 400 रुपए की मजदूरी करता है ना, उससे पूछिए आप जाके मजदूरी मिली नहीं मिली। गुंडे और कोई परेशानी है, गुंडे परेशान है, विपक्ष परेशान है और गुंडे परेशान है, वो भी समाजवादी पार्टी के गुंडे परेशान है। ठीक है ना, बीजेपी वालों को गांव से तोड़ाया ना जाए, आगे बढ़ाना तो योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। आगे जब सरकार साइकिल की थी तो उसमें ISBCS के पेपर होते थे, सारे पेपर चोरी हो गए, बैक हो गए, ये हो गया, आज तक भर्ती नहीं हुई है। मेरे बैच के 6 बंदे हैं जिनके आज तक भर्ती नहीं हुई है, एक मेरे घर का भी बंदा है बिल्कुल खास, 2 बार पेपर दे चुका है। भाई भाई फौजी एक बात सुन, एक चीज बताइए, जिस महल में वो रहा, जो अपने राजभवन में वो रहा अखिलेश, जब वो छोड़ के गया गवर्नमेंट बदल गई, उसकी ठोंकिया टैल पर सब तोड़ फोड़ करके चला गया, क्या ये देश की राजनीति कर सकते हैं ये लोग? अब्दुल्ला ने ये कहा, साढ़े चार मुख्यमंत्री होते थे सपा सरकार में, आजम खां, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और एक और गुंडा है, आधे में आता था अखिलेश, तो इसके चलती कौन थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मुख्तार अंसारी के हिसाब से एडजस्ट होता था, जहाँ गुंडे, इसीलिए तो गुंडागर्दी बढ़ती थी। अभी आपने बोला कि नोएडा को गढ़ कहा जाता है बीजेपी का, तो क्या लगता है कि इस बार यहाँ के माहौल बदलने वाले हैं, सरकार रिपीट होगी? सरकार रिपीट होगी, मतलब आप सपा के समर्थक होते हुए सरकार रिपीट होगी, वो सॉरी सरकार चेंज होगी, और नोएडा में जो है, नोएडा का नहीं कह सकता मैं, नोएडा रिपीट का मतलब यही होता है कि सच्चाई जो अंदर की भावना निकल के आई है, ये जानते हैं, ये अंदर की भावना है, ऐसा कह रहे हैं आपके अंदर की भावना, भावना कोई मतलब, भावना यही है, सत्य है, अगर महंगाई और गरीबों के लिए कुछ काम उन्होंने कह दिया, ये जो मतलब होता है दोबारा, ये सच्ची बात ये चल रहा है, तो अपनी दिखावट के लिए ये दिखा रहे कि हम सपा के आदमी हैं, लेकिन इनकी भावना भी यही है बीजेपी आएगी, इन्हें पता है खुद, इन्हें ये पता है। सपा का समर्थक बनना आपका दिखावा है या आपकी दिली इच्छा है? दिखावा नहीं है मैम, जो महंगाई अब समाजवादी में लोग खुशहाल थे, आज आज आप निकलोगे तो देखो गुम है आदमी, बिल्कुल परेशान है आपको पता होगा। और जो 400 रुपए की मजदूरी करता है ना, उससे पूछिए आप जाके मजदूरी मिली नहीं मिली, और कोई परेशानी है, गुंडे परेशान है, विपक्ष परेशान है और गुंडे परेशान है, वो भी समाजवादी पार्टी के गुंडे परेशान है, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और सब खुश हैं, आम जनता खुश है, जो परेशान है वो विरोधी है, तो वहाँ छात्रों पर लाठी ना बजती और छात्र परेशान ना होता, ऐसे विरोध में ना आता अगर जनता खुश होती तो। ठीक है ना, बीजेपी वालों को गाँव से तोड़ाया ना जाए, आगे बढ़ाना तो योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है, डबल इंजन की सरकार जरूरी है, आपकी बात सही है बिल्कुल। ये कहते हैं कि अगर जो अगर आपने बोला कि जो जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जो परेशान है वो गुंडे हैं, तो जो प्रयागराज में हो रहा है उस पर लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रयागराज में जो हो रहा वो भी विपक्ष उनको भड़का रहा, वो उनको जो अंधेरे में रख रहा, जो मतलब अंधेरे में रख के इस वजह से काम किया जा रहा है, उनके कंधे पे बंदूक चला रहे विपक्ष जो। लेकिन ये एग्जाम कैंसिल करवा देना और ये जो छात्रों को आगे भविष्य के लिए जो भी कठिनाई है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका छात्रों का कोई भविष्य, आगे जब सरकार साइकिल की थी तो उसमें ISBCS के पेपर होते थे, सारे पेपर चोरी हो गए, बैक हो गए, ये हो गया, आज तक भर्ती नहीं हुई है। मेरे बैच के 6 बंदे हैं जिनके आज तक भर्ती नहीं हुई है, एक मेरे घर का भी बंदा है बिल्कुल खास, 2 बार पेपर दे चुका है सपा सरकार में, बीजेपी की सरकार में, यहाँ से ही जज भी बन चुके हैं, सब कुछ जज भी बन चुके हैं, मेरे बैच के लड़की है एक, वो जज बन चुकी है, आसीसी गवर्नमेंट से पढ़ी लिखी है, सेक्टर 22 की रहने वाली है, बीजेपी की सरकार में अभी सब लोग, योगी के शासन में कहीं देखा दंगा फसाद या कोई लड़ाई कहीं हुई है यूपी के अंदर? पूरा ई श्रम कार्ड बनाया है, सब कोई भी है लड़कियों की, ई श्रम कार्ड को तो विपक्ष लालच देना कह रहा है, लालच नहीं दे रहा, वो जनधन योजना के जो गरीबों के खाते खोले गए थे उन, अब सब तब रही, विपक्ष का कहना है कि ई श्रम कार्ड चुनाव करीब आते ही क्यों, वो पहले से ही है, चुनाव के करीब थोड़ी ना है, आप रिकॉर्ड चेक करो कब से किसानों किसानों का बिल भी चुनावों के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वापस जो है, ये जो ई श्रम के लिए बोल रहे हैं, ये अभी तक अभी इन्हीं की सरकार थी, पिछले इसके बार 300 यूनिट क्यों नहीं दिया, 300 यूनिट इन्होंने ही बिजली का हम उत्पादन किए हैं तो क्यों नहीं दिए थे, 18 सब चेंज करके हमारी दी जा रही है समाजवादी की, कुछ नहीं है, ये खाली बीजेपी ने क्या करा देश के लिए ये बताइए, अभी मान लीजिए शिलान्यास कर दिया,
शिलान्यास का मतलब एक शिलान्यास करने से तीन तीन बार शिलान्यास होते हैं। एक शिलान्यास कर दिया, काम नहीं किया, वो के दूसरा आएगा वो भी शिलान्यास कर देगा। शिलान्यास से होता है काम करके फिर पीटा काटे, उसी का श्रेय जाता है। अपनी बात, शिलान्यास नहीं होता, जो शिलान्यास कर रहे हैं ना हमारा वाला, ये अपनी बता रहे हैं। हमारे में तो क्लियर काम हुआ है, हाईवे बनाया तो क्लियर काम कर दिया। मैडम भाई भाई फौजी एक बात सुन, एक चीज बताइए, जिस महल में वो रहा, जो अपने राजभवन में वो रहा अखिलेश, जब वो उसे छोड़ के गया गवर्नमेंट बदल की और उसकी ठोटियाँ टैल पोर सब तोड़ फोड़ करके चला गया, क्या ये देश की राजनीति कर सकते हैं ये लोग? घर वाले ऐसे करते हैं कि मीडिया का राजनीतिक है, मीडिया का बनाया हुआ है ये, कुछ ऐसा कुछ मतलब ये मुद्दा मीडिया ने बनाया है, ये ऐसा कुछ मीडिया ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया जनता के बीच में जाती क्यों है? जनता इसीलिए जाती है ना, वो निष्पक्ष है। राजभवन को तोड़ के ठोटी तक भी उतरवा के ले गया, क्या वे देश का भला कर सकते? टोटी ले जाएगा क्या उखाड़ के? ये सब मीडिया का मुद्दा बनाया हुआ है। खराब होगी टोटी, वो सही करा रहे होंगे, कुछ काम होगा। जवाब दिया इन्होंने, बहुत ज्यादा। अभी उन्हीं के गाँव में, आजम खान के गाँव में चले जाइए, भैंस बकरी के जो लोग कह रहे हैं, वहाँ की जनता खुद कह रहे हैं, उन्हीं के समुदाय के दल के लोग कह रहे हैं कि हमको परेशान किया, हमको सब कुछ किया, ये सच्चाई है उन्हीं के यहाँ। और आज अब्दुल्ला जो है बाहर आ गया है बेल पर मिलने पर, अब बाहर आने के बाद भी वो रो रहा गिड़ गिरा कि मुझे जिताओ, मुझे जिताओ। अब वहाँ की जनता अब की बार कह दिया कि पहले डरते थे, अब डरने निष्पक्ष चुनाव होगा और अब की बार बीजेपी ही आएगी। अब्दुल्ला ने ये कहा, साढ़े चार मुख्यमंत्री होते थे सपा सरकार में, आजम खां, मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद और एक और गुंडा है, आधे में आता था अखिलेश। तो इसके चलती कौन थी? जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मुख्तार अंसारी के हिसाब से एडजस्ट होता था, जहाँ गुंडे, इसीलिए तो गुंडागर्दी बढ़ती थी। तीन साढ़े तीन साल बाद क्लियर कर दिया था, सब हट गया था। सबसे बड़ा गुंडा अखिलेश है, अखिलेश का बाप गुंडा, जो वहाँ पे अयोध्या में अखिलेश वहाँ अयोध्या में जी, ये भी सपा सरकार वाले, हाँ गुंडे इनका राजा, ये तो मान रहे, अब गुंडे हटा दिए, ये तो मान रहे। अखिलेश यादव गुंडों की सरकार है तो उसे समर्थन मिल रहा है, इन्हें भगाया जा रहा है, विरोध हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य है, उसके गाँव में विरोध, पश्चिम में चले जाओ बीजेपी वाले घुसने नहीं दे रहे हैं। सरकार में भी इस बार बड़ा दल बदल वाली चीज चल रही है, काफी लोग छोड़ छोड़ के सपा सरकार को जा रहे हैं, क्या लगता है चुनाव कैसा पड़ेगा? तो आए हैं लोग, हमारे कोई छोड़ के नहीं गया। देखो विधायक लेवल का बंदा कोई नहीं गया। जितिन प्रसाद सपा छोड़कर गए हैं, सिंधिया सपा छोड़कर गए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सपा छोड़कर चले जाते हैं, एक दो चले जाते हैं जो कार्यकर्ता। लेकिन दिग्गज लोगों का जाना क्या लगता है सर डाल सकता है? कौन गया? दिग्गज आए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री गए हैं, आरपीएन सिंह, क्या कहना चाहेंगे? एक दो चले जाते हैं, वो कोई नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए चले जाते हैं। भी खा जाएगा, अंदर वाली भावना जो होती है, उन्होंने भाई साहब ने क्या कहा कि रिपीट आएगी, रिपीट का मतलब दोबारा, और दोबारा का मतलब है कि बीजेपी की सरकार है, रिपीट करेगी, अंदर की भावना उजागर हो जाती है, बाहर से तो मतलब जनता बताएगी, जबान भी तो फिसल जाती है, क्या पता जबान फिसल गई, जबान इसे फिसलना नहीं कहते, अंदर की भावना जो होती है, ये भगवान की सच्चाई है, ये जो आती है ये सही जुबान आती है, अंदर से जो आवाज आती है वो आती है। काल निकल गए, चाहे तीन साल बचे, अगर अच्छा काम किया होता अगर सपा, तो ये दोबारा यहाँ ना आती, परेशान हो गए थे सपा से, इसलिए इनको जो है बीजेपी चुना गया। और पांच साल के कार्यकाल में, डेढ़ साल तो आप हटा दीजिए कोरोना काल में, और डेढ़ साल के अंदर जो है ये बताइए सपा वाले कार्यकर्ता कहाँ चले गए थे? अगर कार्यकर्ता थे, उनके चाहने वाले थे, तो क्यों नहीं गए थे? उसको योगी के तो हो गया था, उसके बावजूद भी नोटबंदी कोरोना, जब से ही सारे काम हुए हैं उससे पहले कोई कुछ नहीं था। दूसरे नंबर पे ला देना किसका काम है? यूपी को दूसरे नंबर पे ला देना योगी का काम है। और भी लोग हैं, आप क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश का, आपके क्षेत्र का क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आने वाली है? बीजेपी आएगी, बीजेपी को लाने का पार्टी आएगी। उसका आने का सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा, लोगों को सबसे पहले नंबर सुरक्षा चाहिए। समाजवादी पार्टी के टाइम में जो गुंडाराज था ना, वो योगी सरकार में पूरी तरह खत्म हो गया है। इंसान सुरक्षित है, बाकी चीजें सब बाद में है, और विकास सुरक्षा है योगी राज में, मानते हैं सुरक्षा है, सुरक्षा है, और विकास भी लोगों को दिखाई दे रहा है। विकास ऐसा नहीं कि विकास दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ समाजवादी पार्टी को विकास नहीं दिखाई देता। दो चार विकास गिनवा दीजिए, हाँ, विकास चार पांच विकास गिनवा। आप हाईवे देख लीजिए, पूर्वांचल हाईवे, क्या कहते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे है वो है, और अभी काशी कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, वो विकास नहीं है काशी कॉरिडोर। विपक्ष तो कहता है जो विकास हुए हैं अखिलेश के राज में हुए, सब फीते काटने का काम अखिलेश ने। मैडम अपनी तिजोरी भरी थी, अपने घर भरे थे, अपना परिवार फैलाया था, उसने और कुछ नहीं करा। गुंडे ने सना बना दी थी, क्राइम करते थे गुंडे और पकड़े जाते थे नॉर्मल लोग जो बेचारे सीधे राज में, गुंडे सिर पे बैठते थे अखिलेश के,
और अखिलेश की जो सरकार है वो गुंडों के बल पर चलती थी। नहीं, अखिलेश ये कहते हैं कि फीता काट रहे हैं। अखिलेश ने एक पत्थर रख दिया तो काम पूरा हो गया। काम तो उससे आने वाली बीजेपी सरकार आई, उसने करवाया। सिर्फ पत्थर रखने से काम नहीं हो जाता है। हाईवे की बात करते हैं, वो भी कंप्लीट नहीं है, वो भी हमने ही पास कराया था, ठीक है ना। और रही बात उसकी गुंडे की, नहीं होता है पास कराना, ठीक है ना। और 310 किलोमीटर, एक मिनट बैठिए, एक आदमी बोलो। एक देखो मैं बताऊं, जो सरकार नीच के द्वारा शासन के द्वारा चलता है वो हमेशा चलती है। अब भाजपा हर चीज में बेटे होशियार है, नीच कारक है, धर्म के साथ चलती है, समझे ना। किसी का अपमान नहीं किया, इसके जीवन में सबके शांति रही, समझे ना। और तो देखो योगी के राज में कितने से मेडिकल हॉल बने, कितने एयरपोर्ट बने, जो आज तक कभी नहीं बने थे किसी की हालत में। जनता सुरक्षा, महंगाई भले आ जाती है, महंगाई तो आगे पीछे उतरती रहती है, समझे ना। हाँ, इनके काम में एक बात हो जाती, ये जो हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, ये और एयरपोर्ट कहीं और ही जाके बनता है, यहाँ नहीं बनता। ये इन्होंने अटकाए थे, इन्होंने बढ़ने नहीं दिया था, सपा सरकार में ही बढ़ना था ये, लेकिन इन्होंने बढ़ने ही नहीं दिया। पास किसने कराया अब हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं चल रहा, तो गुंडा लगा दिया इन्होंने, गुंडी सरकार ऐसा कुछ नहीं है। लोग बताएंगे खुशहाल सपा के शासन में, और वहाँ पर सबको मालूम है मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम की फसाद क्यों हो गई। इन्होंने ये चाहते हैं कि गुंडा रखेंगे और हिंदू मुस्लिम को फसाद करते रहेंगे, और आज जो है हिंदू मुस्लिम सुरक्षित महसूस कर रहा है। और दूसरी बात ये की है कि यहाँ पर इतना वातावरण, इतना माहौल, इतना अच्छा बन गया है कि